रिएक्शन। मेरा नाम इंदु देवी, मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ। हमने एक बहुत अनोखी आयुर्वेदिक के बारे में बताने जा रही हूँ कि मैंने कान के बारे में, आजकल कान के समस्या बहुत आती हैं, कान यानी बहते हैं, अंग्रेजी दवाई बहुत लिए हैं, लेते लेते थक गए थे, बाद में बोलते हैं ऑपरेशन कराने पड़ेगा, आपको कान में घाव बढ़ गए हैं यानी ऑपरेशन करने पड़ेगा, तो कान के पर्दा है वो भी फट गए हैं, तो अचानक तो डर भी होते हैं कैसे इससे बचे, आप कान का बहुत ना काने नहीं है, आँखें नहीं है, तो कैसे सुन सकेंगे या कैसे देख सकेंगे। तो हमको मालूम हुआ ऐसे रिएक्शन के बारे में, तो हम बबलू सर और सुनील सर के माध्यम से हमको रिएक्शन के बारे में मालूम हुआ, इसीलिए सर सब के नाम पर एक बार ज़्यादा मैंने बहुत समस्या से कान हमको बहुत दुख रहे थे, हम बहुत घबराहट हो रहे थे, तो इसीलिए हमको मालूम हुआ तो सर ने बताए से आप गेनो मसाज तेल और आरजी दोनों मिक्स करके लगाइए, दोनों मिक्स करके कान में, आजकल ठंडा समय है तो तेल थोड़ा जम जाते हैं, इसी को चाहे धूप में रख करके चाहे तव लगा करके तेल में पिघल जाते हैं, तब इसमें गोटी है टेबलेट ने वो जना वो कैप्सूल है, कैप्सूल जैसे है, तो कैप्सूल को चम्मच में तेल डाल दिए, कैप्सूल को खोल करके थोड़ा सा उसमें दवा पाउडर डाल करके मिक्स करके गरम करके चाहे धूप में जा थोड़ा सा कहीं गरम करके कान में लिए, दो चार रोज तो लिए तो पूरे आराम हो गए, डॉक्टर ने बोले ऑपरेशन करने पड़ेगा अभी, तो फिर सर बताए से पेस्ट हम यूज़ करते हैं घर में बहुत पहले से, तो मालूम सर बोले से का ये पेस्ट जो है से पेस्ट निकाल करके पानी में घोल करके कान के जड़ में भी लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। फिर हम लगाए, डॉक्टर ने बोले से ऑपरेशन करने पड़ेगा, इतना समस्या बताए कहाँ से ऑपरेशन के लिए, तो पाए तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, 2000 यानी 2500 का प्रोडक्ट यहाँ से ले गए, तो अभी डॉक्टर के चपेट से ऑपरेशन से चपेट से अभी तक अभी बचे हैं, इसीलिए जिन भाई दीदी को कान में दर्द करते हैं या बहते हैं बोलते हैं डॉक्टर ऑपरेशन करने होगा नहीं ठीक होगा, इसीलिए जहाँ से जानकारी मिली इस प्रोडक्ट को एगेनो मसाज को आजीएल को, तो आप ले सकते हैं सर सबको सलाह से लेकर के अपना कान को दर्द से बच सकते हैं, डॉक्टरी का चपेट से बोलते हैं बहबर का बहते हैं तो कान का पर्दा फट गए, यानी बहुत बहुत समस्या बताते हैं डॉक्टर सब, इसीलिए अंग्रेजी दवा खाते खाते थक गए थे, मैंने इसी को यूज किए तभी बहुत बहुत राहत है, दूसरों दीदी सबको जो ऐसे ही बहुत देखते हैं गांव घर में तो आते हैं, हम तो यूज किए हैं तो हम तो समझ गए अच्छा है, तो दीदी सबको बताते हैं तो दीदी कहाँ से लाए हैं हमको भी दीजिए चाहे दिखाइए, तो ले जाते हैं घरों से ले जाते हैं देते हैं दीदी सबको, जो एक बार हम मिला करके दे देते हैं कान में तो तुरंत आराम, 5 मिनट के बाद में तुरंत बोलते हैं दीदी इतना कहाँ थे इतना दिन से, इतना अच्छा दवा है ना, कितना दवा दिए हैं पाए दिए हैं डॉक्टर के पास में कान के चलते, अभी इतना ही हमको एक बार दिए हैं कान में तो कितना आराम है, इसीलिए डॉक्टर को दवा से बचिए कान को दर्द में, क्योंकि कान आँख नहीं रहिएगा तो कैसे हम सब चल सकते हैं, इसीलिए कान को अंग्रेजी दवा खा कर के मत खराब कीजिए, अंग्रेजी आयुर्वेदिक को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।